सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों में संचालित मिनी आईटीआई की वार्षिक परीक्षा सोमवार को शुरू हुई। मैनपुरी कस्बा स्थित भोगांव में मदरसा दरसुल कुरान को इस बार स्वकेंद्र परीक्षा बनाया गया था। जनपद में एकमात्र इसी मदरसे में आईटीआई संचालित होती है। सिलाई कटाई कंप्यूटर और वेल्डर की कुल 3 ट्रेड है, जिसमें परीक्षा हुई तीनों ट्रेड में। कुल 48 छात्र छात्राओं ने पंजीकृत किया था, जिसमें 46 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और 2 अनुपस्थित रहे। 2 पालियों में हुई परीक्षा, जिसमें कंप्यूटर और सिलाई कटाई की परीक्षा एक दिन में संपन्न हो गई। वहीं वेल्डर ट्रेड की परीक्षा मंगलवार को भी हुई। परीक्षा में बच्चों को कोविड के दिशा निर्देशों के अनुसार कुल 4 कमरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान मदरसा प्रबंधक मोहम्मद शकील खान उर्फ फुलमनिया व निदेशक गुलजार शकील तथा केंद्र व्यवस्थापक मौलाना खालिद रजा नूरी और कच्छ निरीक्षक काफी मुस्तैद दिखे। मैनपुरी से हरिओम चौहान की रिपोर्ट। एक दो 2019-21 से शुरू हो गई है और यहाँ पर 3 ट्रेडें हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डर गैस एवं विद्युत, कटाई एवं सिलाई, जिसमें वेल्डर में 16 छात्राएँ हैं और कंप्यूटर में 15 छात्र छात्राओं ने पेपर दिए और सिलाई कटाई एवं सिलाई में 16 छात्राओं ने पेपर दिए।